गुड मॉर्निंग फ्रॉम जाजरकोट, कैसे हो आप सब। ये होटल से सामने का नज़ारा है, सामने भेरी रिवर आपको दिखाई पड़ेगी। आज के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग रिमना बाज़ार के थोड़ा आगे हैं, जो जाजरकोट से करीब 12 किलोमीटर पड़ता है। रिमना तक रोड अच्छी है, उसके बाद में ऑफ रोडिंग चालू हो गई। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, कौन सा जाएगा पूछते हैं। दुनई का रास्ता कौन सा है? दुनई 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 डोलपा। हाँ भाई, डोलपा जाने का रास्ता, डोलपा को रास्ता दुनई, ये सीधे कितना किलोमीटर होगा? पाँच सात घंटा। पाँच घंटा। धन्यवाद। हमारा आज का प्लान तो दुनई पहुंच के वहां स्टे करने का है, लेकिन ये डिपेंड करता है रोड की कंडीशन के ऊपर, कहां तक हम पहुंच पाते हैं। अंधेरा होने से पहले तक हम ड्राइव करेंगे और देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। जहां भी पहुंचेंगे वहीं स्टे कर लेंगे। ये तो टाउन का होगा, टाउन का होगा। दुनई 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 रास्ता। दुनई रास्तो दुनई चाउंसू रास्तो। भयंकर था। खलंगा जाजरकोट के बाद में आता है रिमना बाज़ार, फिर राड़ी बाज़ार या उसको आठ बिस्कोट कुछ बोलते हैं, फिर उसके बाद में तल्लो बगर आएगा। हमने नेपालगंज में पता किया था तो वहाँ से लोग बताए थे कि नेपालगंज से तल्लो बगर तक की बस आती है डायरेक्ट। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आ सकते हैं या टेम्पो ट्रेवलर वगैरह।
स्कूल से निकले? मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग जाजरकोट से निकले थे। इस वक्त 12 बज रहे हैं दोपहर के और करीब 4 घंटा हम लोग को लग गया है। रास्ता काफ़ी ख़राब था। दाई दुनाई दाई दुनाई 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 जाऊं छे नीचे माथी। रोड के ऊपर कोई मार्किंग ना होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है कि किधर जाना है। रास्ते भर हम लोग पूछते हुए आए हैं। इसी के ऊपर से निकलना है। दुनाई का रास्ता जाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है।
भाई।